नमस्ते, मैं संतोष शेट्टी बनसंग का अध्यक्ष। बनसंग बोले तो एक शेट्टी समाज, हमारा मैक्सिमम होटेलियर्स है इधर। और ये जो आज हमारा ये कार्यक्रम में कर्नाटक का मुख्यमंत्री श्रीमान बोम्मई साहब आया था, हम एक 5 लोगों को सीटी रवि साहब आया था महाराष्ट्र का बीजेपी के उस्तवारी जी। आज हम कल्पवृक्ष बोल के एक सेवा साधक प्रशस्ति 5 लोगों को जो समाज का सेवा और साधन जो किया है उन लोगों को दिया गया है। ऐसा ही एक कल्पवृक्ष जो हमारा योजना है, कम से कम 2 करोड़ हम उसमें जमा किया है। कोविड का टाइम पे 25 लाख से ऊपर उसमें हमने लोगों को मदद किया है। अब ये 25 लाख रुपए से स्टूडेंट को हम ये जो मदद किया कल्पवृक्ष सेवा साधक प्रशस्ति, ये जो संगठन है कम से कम 40 साल हुआ है। आज जगन्नाथ शेट्टी वैशाली होटल का मालक का नाम से एक कल्चरल सेंटर है और गुंडराज शेट्टी का नाम से है, तो उन लोगों का स्टैचू हमने बिठाया, वो स्वर्गस्थ हुआ है। ऐसा ही आगे का कालघट में हम एक स्कूल स्थापन करने में जा रहा है, तो आशियम साहब का हस्ते उसका एक भावी स्कूल का योजना का प्रारंभ भी हमने किया। टोटल ये जो संगठन है, ये जो भवन है हमारा, 25 करोड़ को ऊपर से हम लोगों से दानी लोगों से करके ये भवन किया है। अभी सामाजिक कार्यक्रम नवदुर्गा सम्मान दिया महाराष्ट्र में जो लोग है और कट मतलब नीचे से जो लोग काम करता है उन लोगों को सिलेक्ट करके लास्ट टाइम हमने किया है। ऐसे ही पंडरपुर का जो लोग आता है उधर फ्रूट्स बांटना या बहुत कुछ सामाजिक काम हम ये संगठन के तरफ कर रहा है कि मैं ये संगठन का कम से कम 7-8 साल से सेवा कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, खास करके कोविड के टाइम पे सामाजिक काम किया है और बहुत सारे लोगों को सहाय किया है। और शिक्षण और आरोग्य और सामाजिक इसमें उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं इधर आया हूं। और दूसरी बात, हमारी जो ब्राह्मण संघ है उन्होंने भी मुझे दावत दिया था, इसलिए उधर मैं इधर पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आया हूं। और पुणे से मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं 83 से 86 तक इधर टाटा मोटर्स में काम करता था। वो सब अभी वो 3 बरस का जो अच्छे दिन थे उसका बहुत याद आ रहा है और वो अच्छे यादों के साथ मैं अभी जा रहा हूँ। और ख़ास करके पुणे के लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूँ। पुणे अभी बहुत बड़ा शहर बन गया है और आईटी का भी बहुत सेंटर है और बहुत सारे यंगस्टर्स को इधर बहुत आईटी बीटी इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल सब सेक्टर में मौका है। और आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द पुनाइट्स। सर, आज यहाँ पे बहुत से गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया। को ये वन समाज जो है, जहाँ जाते हैं वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है और जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें जुड़ जाते हैं और अपनापन उधर बना देते हैं। दूसरा, उन्होंने जहाँ भी गए हैं वहाँ अपने बिजनेस में भी चाप किया है। तीसरी बात, उनका एक जो सामाजिक तरफ से उनका जो काम है, व्यापार करते हुए बहुत सारे परोपकारी काम उन्होंने कर रहे हैं, शिक्षण में कर रहे हैं, आरोग्य में कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं और सब फील्ड में अपना छाप बना रखा है। और जो उनका जो रूट्स है वहाँ गांव में मंगलूर रूट पे उस तरफ, वो भी कायम रखा है, वहाँ का परंपरा भी उन्होंने पालन कर रहा है। और जिस जिस क्षेत्र में लोगों ने साधन किया है उनको पहचान करके एक सम्मान किया है। और बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ साधक है जो आगे भी उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये सब काम किया है, इसलिए मैं आया हूँ इधर। पंट लोगों को ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी जाते हैं वो अपना एक बहुत बड़ा स्थान बना लेते हैं, चाहे व्यापार में हो, उद्योग में हो, और सबके साथ मिलजुल के काम करने का और जो संस्कृति है उसको उसके साथ काम करने का जुड़ जाते हैं। और सब बाकी लोगों का प्यार और मोहब्बत उनको मिलता है और वो भी दूसरे लोगों के लिए प्यार मोहब्बत करते हैं। एक 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 अनोखी एक ये है कि बंट लोगों का कि बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है ये।
सर आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर घर तिरंगा के बारे में क्या बताएं? देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा देशभक्त है और ये हम सब लोग भाग्यशाली है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनका जो नेतृत्व मिल रहा है, पूरा देश को उन्होंने एकत्र किया है, देशभक्ति फिर से जगाया है। हर घर में तिरंगा फैलाने से एक देश हमारा है, जैन देश प्रथम है और हम देशवासी उसके नीचे है और देश के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार है। ये संदेश हर एक नागरिक में, चाहे युवा हो, चाहे टीचर हो, फार्मर हो, कोई भी हो, उनके मन में जागृत करने के लिए उन्होंने किया है। और बहुत आज तो 13 से 15 तक है, आज तो मेरा ख्याल से देश भर ऑलमोस्ट 40 करोड़ के घर के ऊपर ये हर घर तिरंगा दिख रहा है और ये हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व का बल है और हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर जो प्यार लोगों का है वो दोहराता है। धन्यवाद।